हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रिंसिपल त्रिपाठी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम देखने जा रहे हैं रिस्ट पेन की कॉजेस। कलाई में जो दर्द होता है उसमें क्या 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 कारण हो सकते हैं जो हमारे कलाई में दर्द है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिस्ट पेन जो होता है, रिस्ट पेन का कारण जो होता है वो काफी कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने काफी ज्यादा कंप्यूटर यूज किया हो, मोबाइल यूज किया हो, कभी आपका एक्सीडेंट हो गया हो, आप गिर गए हो या फिसल गए हो, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि रिस्ट पे चोट आई हो, फ्रैक्चर हो, छोटा मोटा फ्रैक्चर हो, जगह से डिस्प्लेस हो गया हो कोई जॉइंट, तो ये सब कारण हम देखने को मिलते हैं नॉर्मली। तो हमें रिस्ट पेन के जो ज्यादातर हमें जो कारण देखने को मिलते हैं मेडिकली, वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे रिस्ट पेन जो होता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि रिस्ट के अंदर हमारी रेडियस और अल्ना दोनों हड्डियां आगे जाके पांच जॉइंट्स के साथ मिलके, हमारी फाइव मेटाकार्पल के साथ मिलके, फेलेंजेस के साथ मिलके पूरा हमारा हैंड बनाती है आगे। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर काफी मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, यहाँ पे सिस्ट है, ठीक है। क्या होता है, अभी यहाँ पे जो ये फोसाज होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके नीचे से जब अभी इनमें हमें देख क्या क्या देखने को मिलेगा बीमारी में, हम देखेंगे हमें रिस्ट के अंदर स्प्रेन देखने को मिलेगा, स्प्रेन, रिस्ट स्प्रेन, ठीक है। अब स्प्रेन और स्ट्रेन में अंतर क्या है, ठीक है, स्प्रेन और स्ट्रेन में जो अंतर है वो अभी भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि हम क्या क्या इसमें बीमारियां देखने को मिलती है। स्प्रेन हमें देखने को मिलेगा गैंग्लियोनिक सिस्ट, मतलब यहाँ पे जो हमारा उभार होता है हड्डी का, उसके नीचे जहां से हमारा ब्लड फ्लो और नर्व सप्लाई जाती है, वहां से हमारे को कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, इस जगह से देख पा रहे हैं ये, यहाँ पे देखिएगा ये जो हमें उभार दिख रहा है, इसके नीचे से जो सप्लाई जाती है, उन सप्लाईज के अंदर कभी कभी सिस्ट बन जाता है और कंप्रेस हो जाती है, तो उसे बोलते हैं हम गैंग्लियोनिक सिस्ट। ओके, तो अभी आपने देखा कि ये दो तरीके की हमारे को रिस्ट के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरा मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो तीनों तरीके की नर्व इंपिचमेंट या नर्व कंप्रेशन होता है, ये है हमारी मिडिल नर्व, ठीक है, अल्ना नर्व, नर्व रेडियल नर्व। तो ये तीनों मांसपेशी, तीनों नर्व्स जहां से गुजरती हैं, वहां वहां बहुत सी बार हमें इंपिचमेंट देखने को मिलते हैं। इंपिचमेंट का मतलब दबा हुआ है या फिर वहां पे से वो थोड़ा बहुत वहां से वर्क बराबर नहीं कर पा रही है कंप्रेसमेंट की वजह से। तो हमें ये देखने को मिलता है कि तीनों से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है, जिसमें है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली जो हमें नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलता है सिंड्रोम करके, ठीक है। अभी कार्पल ट्यूनल हुआ, कुबेरो ट्यूनल सिंड्रोम हुआ, ठीक है, तो ये सब हमारे को देखने को मिलता है कि इसके नर्व कंप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हाथों में झंझनाहट होती है आगे और पीछे की तरफ। स्पेसिफिक जहां पे हमें नर्व सप्लाई देखने को मिलती है वहां वहां हमें इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं हमारी हाथों के अंदर झंझनाहट, और ये सब हमें देखने को मिलता है। अभी हम आगे देखते हैं कि रिस्ट के अंदर और हमें क्या देखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं रिस्ट के अंदर हमें फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। रिस्ट के अंदर जो हड्डियां होती है अल्ना और रेडियस के आगे की तरफ जहां से हमारी हड्डियां जुड़ती है, वो हड्डियों के अंदर यहां पे हमें छोटी छोटी हड्डियां देखने को मिलती है। ये हड्डियां आगे जाके हमारी उंगली, उंगली का जॉइंट जो है वो हमारी उंगली का पूरा जॉइंट बनाती है, ठीक है। तो यहां पे जो हड्डी जुड़ेगी वो रिस्ट के इस पार्ट में होगी, यहां पर इस पार्ट, ठीक है, फिसिबॉम क्यूबिडल, तो ये सारी हमारे को बोन मिलेगी। अब यहां पे क्या होता है, कभी कभी हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, मतलब फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर, रिस्ट फ्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी ये फ्रैक्चर बहुत से किसी भी डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है, मतलब यहां से ये बोन खिसक जाए, ओके,
ये बोन जो है, ये बोन हमारी यहां से खिसक जाए बाहर की तरफ, ठीक है। ये बोन जहां से जहां अटैच है वो बोन खिसक जाए, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर है। सपोज अब ये ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है इसके अंदर ये डिस्प्लेस हो जाता है, तो हम प्लास्टर बना के इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, जब भी व्रिस्ट में क्या होता है, हमारे बहुत सारी मांसपेशियां हैं, व्रिस्ट मसल्स, जिसमें है फ्लेक्सन मसल्स। फ्लेक्सन मतलब ये वाला मूवमेंट जो हमारी मांसपेशियां करवाती है। एक्सटेंशन वाली मसल्स, एक्सटेंशन मतलब ये वाला मूवमेंट जो मांसपेशियां कराती है। तो कभी कभी जहां से ये मांसपेशियां, सपोज कीजिए यहां एक से एक मांसपेशी गुजरी, वो इधर से गुजर के यहां अटैच हुई, ठीक है। अभी क्या होता है, तो यहां पर किसी गिरने की वजह से या एक्सीडेंट या फ्रैक्चर या किसी भी वजह से, यहां से जो टेंडन, टेंडन मतलब, टेंडन का मतलब होता है दो ज्वाइंट जिन पे हमारी मांसपेशी जा रही है, यहां से लेके यहां तक, उन ज्वाइंट के ऊपर जहां से ये मांसपेशी जुड़ी हुई रहती है, उस मांसपेशी के जुड़ाव के केंद्र को, जुड़ाव के पॉइंट को हम बोलते हैं टेंडन। ये सॉलिड होते हैं, अच्छी तरह चिपके हुए होते हैं, मांसपेशी इनसे जुड़ी हुई होती है बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर। तो हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है व्रिस्ट टेंडिनोपैथी और व्रिस्ट टेंडोनाइटिस, ठीक है। तो हमें ये व्रिस्ट टेंडिनोपैथी देखने को मिलता है, और इसी के साथ टेंडोनाइटिस भी देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा कि व्रिस्ट टेंडोनाइटिस भी हमें देखने को मिलता है। अभी हम देखेंगे कि ये सब बीमारियां हमारे बाहरी सोर्स के अंतर्गत आई है, मतलब कहीं गिर गए, पड़ गए, ज्यादा खिंच गया, हाथ खिंच गया, किसी ने हाथ खिंचा जोर से तो हाथ का ये लिगामेंट्स वगैरह खिंच गए, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। तो ये सब जो हमें देखा, ये हमें देखा कि बाहरी तौर पे हमारे को आई हुई तकलीफें हैं जो हमारे बाहर से हमारे हाथ के ऊपर होती है। कभी कभी हमें ये देखने को भी मिलता है कि हमारे हाथ में यहां पर दो तरीके की प्रॉब्लम्स, एक होता है इंफेक्शियस आर्थराइटिस, दूसरा होता है सिंपल आर्थराइटिस। ये दो तरीके के आर्थराइटिस है, पहले वाले को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये दो तरीके के आर्थराइटिस देखने को मिलता है, इनसे भी हमारे हाथ की व्रिस्ट में तकलीफ देखने को मिल सकती है, हाथ की व्रिस्ट में पेन देखने को मिल सकता है, हाथ की पकड़ कमजोर हो जाती है, हम पूरा हाथ मोड़ नहीं पाते, काफी हद तक तकलीफें होती है, ठीक है। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा, शरीर में जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं होती है उनमें दो तरीके से, मैं आपको बताया, एक तो भी आपको बताया पहली फिजियोलॉजिकल क्रिया जिसे बोलते हैं हम आर्थराइटिस, दोनों तरीके की, ठीक है। दूसरी जो है वो है यूरिक एसिड, गठिया रोग, गाउट जैसे बोला जाता है, इसकी वजह से भी हमें यहां गांठें उत्पन्न हो जाती है, ये काफी हद तक यहां पर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारी हाथ का मूवमेंट कम हो जाता है, यहां पे जाके यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, ऐसे यहां पर इकट्ठा होने की वजह से यहां मूवमेंट लेस हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन मतलब पूरा हाथ बंद करने और खोलने की जो गति है और जो पूरा हाथ मुड़ता है वो मुड़ना बंद हो जाता है, यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है, रोम कम हो जाता है, रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हमने सारे कारण जाने आज कि हमारे क्या क्या तकलीफें हमें हाथ की व्रिस्ट में, हमें पेन किस किस तकलीफों से हो सकता है। इनसे कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे को जो हाथ में दर्द होता है उसकी ये सब कारण है जो हम देख के गौर कर सकते हैं कि हमें क्या क्या तकलीफ, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स क्या है, उसके साथ हम मिसमैच कर सकते हैं कि हमारे को क्या तकलीफ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।